प्यारे बच्चों, ठीक प्यारे बच्चों, आज हम लोग बच्चों शुरुआत कर रहे हैं बीए सेकंड ईयर, यानी बीए सेकंड ईयर सेकंड पेपर। ठीक है बच्चों, चलिए आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं बीए सेकंड ईयर का सेकंड पेपर, जिसका नाम है, पेपर का नाम है बच्चों राष्ट्रीय सुरक्षा। ठीक है, लिख देते हैं आपको राष्ट्रीय सुरक्षा। ठीक है, चलिए इसके बाद इसका हम फ्लेवर आपको बता चुके हैं। फ्लेवर में हमको जो पहला चैप्टर पढ़ना है वो है राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ और सिद्धांत। ठीक है बच्चों, अब देखिए राष्ट्रीय शक्ति क्या होती है, राष्ट्रीय शक्ति क्या होती है, अब बताइए आप लोग शक्ति क्या होती है। शक्ति कैसे कहें कि हम ताकतवर हैं, जब दूसरों के स्थिति को, दूसरों के प्रभाव को बदलने की जब क्षमता आ जाए तो उसे कहते हैं हम लोग शक्तिशाली हो गए, है ना। ठीक है, अब राष्ट्रीय शक्ति क्या है, देखिए ये जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु माना जाता है राष्ट्रीय शक्ति को, क्योंकि राष्ट्र चाहे जो भी हो हर समय प्रयासरत रहते हैं किसके लिए, शक्ति को एकत्रित करने के लिए। राष्ट्रीय शक्ति चाहे आर्थिक शक्ति हो, चाहे राजनैतिक हो, चाहे सैनिक हो, चाहे जो भी हो, चाहे क्षेत्र विस्तार हो, चाहे भौगोलिक शक्ति हो, हर समय, और ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु होता है शक्ति को प्राप्त करना। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राष्ट्र का उद्देश्य क्या होता है, शक्ति को प्राप्त करना। ठीक, और प्रत्येक युग में, युग चाहे जो भी रहा हो, राष्ट्रों ने शक्ति अर्जित करने की हर संभव कोशिश की है, शक्ति के लिए संघर्ष भी होता रहा है। ठीक, जैसे बच्चों आप लोग मान के चलिए ये तो राष्ट्र की बात हो गई, अब आप लोग बताइए क्या आप लोग जो है, चाहे राष्ट्र हो बच्चों चाहे व्यक्ति हो, क्या व्यक्ति जो है शक्ति के लिए प्रयास नहीं करता, जब तक ये धरती पर एक छोटी सी उम्र मिली हो उसको, लेकिन जब तक भी है वो जो है हर समय शक्ति एकत्रित करने के चक्कर में परेशान रहता है। शक्ति का मतलब वो चाहे बच्चों राजनैतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनैतिक हो, चाहे सैनिक हो, चाहे शारीरिक ताकत हो, हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है। ठीक है, चाहे जो भी हो। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोग बेटा पढ़ रहे हो, ठीक है, अब हमको ये बताइए पढ़ने से आप लोग अगर बीच से नौकरी निकाल दिया जाए तो आप लोग बताइए कितने लोग पढ़ना पसंद करोगे। ये हो कि आपको पढ़ने के बाद केवल ज्ञानार्जन आपको मिलेगा, बाकी और आपको नौकरी में नहीं जाना है, तो आप लोग बताइए कितने लोग पढ़ना पसंद करेंगे। हमारे विचार से आधे से ज़्यादा लोग बेटा छोड़ दोगे। कहने का मतलब एक व्यक्ति अगर पढ़ता है, ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति अगर पढ़ता है तो उसके अंदर क्या भावनाएं होती हैं, भाई वो भी शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, चाहे ज्ञान की शक्ति प्राप्त करना चाहता है, चाहे पढ़ने के बाद नौकरी करके वो आर्थिक शक्ति, धन कमाने वाली शक्ति, धन की शक्ति प्राप्त करना चाहता हो, चाहे अपने आप को विद्वान बनाकर मान सम्मान वाली शक्ति प्राप्त करना चाहता हो, चाहे और अधिक जो है हर क्षेत्रों में अपने ज्ञान को बढ़ाकर वो जो है क्या बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी एक छवि बनाना चाहता हो, चाहे जो भी हो, कुछ भी हो, व्यक्ति जो है जो भी करता है वो शक्ति के लिए ही संघर्ष करता रहता है। एक तपस्वी, एक महात्मा तपोबल एकत्रित करके वो क्या करता है, वो भी जो है तपोबल एकत्रित करता रहता है तपस्या करके। ठीक है बच्चों, और एक जो है व्यक्ति ऐसा होता है जब परम संतोष हो जाता है तो सिर्फ निष्क्रिय हो जाता है, वो समझ लीजिए कि वो जो है धरती पर रहते हुए धरती पर ना रहने के बराबर होता है। तब यही समझ लीजिए बच्चों कि चाहे राष्ट्र हो चाहे व्यक्ति, मेरा कहने का मतलब ये है उसकी तुलना राष्ट्र से कीजिए चाहे अपने आप से कीजिए। जब तक आप धरती पर हैं, जब तक चाहे जो भी है, व्यक्ति हो चाहे जो हो, सामान्य व्यक्ति की बात हम कर रहे हैं बच्चों, विशेष की नहीं, तो हर व्यक्ति हर राज्य शक्ति को एकत्रित करने की हर संभव कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राष्ट्र का उद्देश्य होता है क्या, शक्ति की प्राप्ति। प्रत्येक युग में राष्ट्रों ने शक्ति अर्जित करने की हर संभव कोशिश की है बच्चों, चाहे वो क्षेत्र विस्तार किए हो युद्ध के द्वारा,
धन को लूटा है महमूद गजनवी ने, वो भी धन की फक्ति यहाँ पे लेके गया है। ठीक, सिकंदर अपने आप को अपना नाम कमाना चाहता था कि हम विश्व विजेता बने। देखिए विश्व विजेता बनने के लिए उसने लगभग बड़े बड़े राष्ट्रों को उसने रौंद डाला। ठीक है, कहने का मतलब, और हम लोग जैसे लोग, हम आप जो भी हैं बच्चों, मान लीजिए हम तो अध्यापक हैं, आप लोग बच्चे हो, किस लिए पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो विचार है कि नौकरी प्राप्त करेंगे, नौकरी कर रहे हैं, हम देखते हैं सैकड़ों लोग घर छोड़कर कितनी दूर तैयारी करने चले जाते हैं। तो कहने का मतलब फक्ति प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति परेशान, हर राज्य परेशान, जहाँ तक संभव होता है उसके लिए। हम नहीं कह रहे हैं कि जहाँ संभव नहीं होता वहाँ भी, वहाँ तो सुरक्षा की ही दुहाई देता है, अपने बचाव के लिए कार्य करता है, लेकिन जहाँ संभव होता है वहाँ अपनी शक्ति प्राप्ति करने का प्रयास वो करता रहता है। ठीक, अब देखिए शक्ति को प्राप्त करने के लिए संघर्ष होता रहा है। आज आप लोग भी बच्चों पढ़ाई लिखाई में भी आप लोग संघर्ष कर रहे हो, और बिना शक्ति के कोई भी राज्य अपने नागरिकों की रक्षा एवं विकास के उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर सकता। ठीक, जैसे हम लोग, अगर हमारे पास शक्ति नहीं होगी तो क्या हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो बच्चों यही वजह है कि राष्ट्र भी शक्ति एकत्रित करता है अपने नागरिकों के लिए, अपनी प्रजा के लिए। हम लोग शक्ति एकत्रित करते हैं अपने बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए, उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए। तो ऐसे में चाहे राष्ट्र हो चाहे व्यक्ति, फिलहाल हम यहाँ बच्चों राष्ट्रीय शक्ति पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ राष्ट्रीय शक्ति के बारे में ही हम लोग यहाँ लिखेंगे। आप लोग पेपर में ऐसा मत लिखिएगा, ठीक है, हम केवल आपको उदाहरण दे रहे हैं। अब देखिए शक्ति क्या है, शक्ति वह क्षमता है जिसके द्वारा एक राष्ट्र क्या क्या कर सकता है। इसमें देखिए, शांतिकाल में अपने नागरिकों के सुख सुविधाओं की व्यवस्था करता है, जीवन स्तर को ऊंचा उठाता है, और जनता को आवश्यक वस्तुओं जैसे भोजन, आवास, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार आदि का प्रबंध करता है राष्ट्रीय शक्ति के द्वारा ही। और क्या है, खतरों के समय या युद्ध के समय या किसी आक्रमण के समय आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा करने की क्षमता प्रदान करता है। क्या शक्ति, शक्ति वह क्षमता है, शक्ति के द्वारा ही ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ये सारी चीज़ें। अब बच्चों इसमें शक्ति के कई प्रकार होते हैं, जैसे होगा आर्थिक शक्ति, धन दौलत जिसको हम लोग बोलते हैं, सैनिक शक्ति जिसके द्वारा सुरक्षा व्यवस्था देखी जाती है, राजनैतिक शक्ति विदेश संबंध, विदेश नीति, ये सब चीज़ें देखी जाती है, सामाजिक शक्ति सामाजिक स्थिति है, टेक्नोलॉजी की शक्ति विज्ञान एवं तकनीकी शक्ति वो है राष्ट्रीय विकास में काम आता है, राष्ट्र के कार्य को अच्छा बनाने के लिए, मनुष्य मानव जीवन को ऊंचा उठाने के काम आता है। ठीक है, और आगे देखते हैं बच्चों, ये सैन्य क्षेत्र में हथियारों, गोला बारूद एवं, ये बच्चों ये फाग नहीं है, ये है बच्चों फाज सामान, थोड़ा सा गलती हो गई है टाइप में, फाज सामान का उत्पादन भी करने की शक्ति प्रदान करता है। कौन? राष्ट्रीय शक्ति। तो ये समझ लीजिए, ये क्या है, फाज, फाज सामान मतलब हथियारों में, यानी सैनिकों के लिए जो फाज सामान, लड़ाई में और भी चीज़ें जो चीज़ें प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं हम लोग फाज सामान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषा क्या है बच्चों, परिभाषा, वैसे राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषा एक कठिन कार्य है, क्योंकि एक राष्ट्र को किन किन शक्तियों की ज़रूरत पड़ सकती है ये कहना बहुत कठिन है बच्चों। कहीं आर्थिक शक्ति की ज़रूरत पड़ती है तो कहीं राजनैतिक की पड़ती है, कहीं विदेश नीति की ज़रूरत पड़ती है तो कहीं जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में वहाँ मत शक्ति की ज़रूरत पड़ती है अंतर्राष्ट्रीय जगत में, और कहीं पर सामाजिक शक्ति की ज़रूरत पड़ती है, कहीं सैनिक शक्ति की ज़रूरत पड़ती है, कहीं टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ विकास का कार्य अच्छे स्थान पे है, चंद्रमा पर पहुँचना है टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, नए नए हथियार बनाना है टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, अलग नया नया रिसर्च करना है, नए नए आगे चीज़ें, नई नई खोज करनी है, बस टेक्नोलॉजी को ही आगे बढ़ाना है। तो कहने का मतलब एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र को मदद चाहिए, किस प्रकार की मदद चाहिए, उसके लिए हमारा विदेश नीति और विदेश संबंध हमारा अच्छा होना चाहिए। तो कहने का मतलब राष्ट्रीय शक्ति में हम जितना कुछ जो है उसमें जोड़ दें, यानी हर समय राष्ट्र को कितने शक्ति की कितने प्रकार की ज़रूरत पड़ सकती है इसे कहना असंभव है। ठीक है बच्चों, इसे सामान्यतः क्या है, अपनी इच्छा के अनुसार
दूसरे राष्ट्र से कार्य करा लेने की क्षमता को ही राष्ट्रीय शक्ति कहते हैं। यह सामान्य परिभाषा है। यानी एक शक्तिशाली राष्ट्र अगर चाहे, शक्तिशाली राष्ट्र वही है जो अपनी इच्छा से दूसरे राज्यों से कार्य अपना करवा ले, तो माना जाता है वो व्यक्ति, वो राष्ट्र शक्तिशाली है, वो ताकतवर है। ठीक। और विभिन्न विद्वानों ने इसे अपने अपने भाषा के आधार पर, अपने अपने बुद्धि के आधार पर इसे परिभाषित किया है। पहला नंबर है मार्गेंथाउ। इन्होंने क्या कहा है, यह राष्ट्र की वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति अन्य राष्ट्रों के कार्यों, व्यवहारों और नीतियों को प्रभावित या नियंत्रित करने का प्रयास करता है। बच्चों अब इसमें देखिए, इन्होंने क्या है, वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब वो व्यक्ति जो राष्ट्राध्यक्ष हो, ठीक है, राष्ट्रपति हो, राष्ट्राध्यक्ष हो, अपनी ताकत के दम पर, अपनी राष्ट्रीय शक्ति के दम पर अन्य राष्ट्रों के कार्यों, व्यवहारों और नीतियों को बदलने और नियंत्रित करने की क्षमता रखता हो, वो वही जो है शक्ति है, वही राष्ट्र की शक्ति है। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखा जाए तो एक व्यक्ति राष्ट्र की शक्ति से ही लोग घबराते हैं, ना कि व्यक्ति की शक्तियों से। आज जो है अमेरिका जो है विश्व की नंबर वन की शक्ति बना हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका विश्व की नंबर वन शक्ति केवल जो है वो क्या बोलते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति बने हुए हैं जो अभी हैं, क्या क्या नाम है बेटा उनका, नाम नहीं याद आ रहा है। अरे मान लीजिए पहले बिल क्लिंटन थे, इस समय कौन है, अरे हाँ बच्चों नाम नहीं याद आ रहा है फिलहाल, उससे कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष हो, भले ही वो ताकतवर राष्ट्र का हो, तो वो जो भी अन्य राष्ट्रों को धमकियां देता है अपने राष्ट्र की शक्ति के बल पर ही देता है। ठीक है बच्चों, जैसे आज अगर जो है मोदी जी, अपने पीएम मोदी जी अगर जो है पाकिस्तान को धमकी देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी इमरान खान से कुश्ती लड़ने जाएंगे तो जीत जाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, भारत की शक्ति को ध्यान में रखते हुए तभी वो धमकी उसको दे सकते हैं। और जो है इसी तरह जो है कोई भी व्यक्ति हो, अपनी अर्थव्यवस्था के आधार पर ही किसी को धमकी देता है, ज़रूरी नहीं है कि वो उसको जो है व्यक्तिगत रूप से वो उससे विजयी जीत पाए। तो कहने का मतलब वही है, एक राष्ट्र, एक व्यक्ति अपनी राष्ट्र की ताकत के दम पर ही दूसरों के कार्यों और व्यवहारों को नियंत्रित व प्रभावित करता है, और जिसके पास यह क्षमता है वही माना जाता है शक्तिशाली है। हार्टमैन ने क्या कहा है कि राष्ट्रीय शक्ति से ही बोध होता है कि उसमें राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूर्ति करने की क्षमता कितनी विद्यमान है। कहने का मतलब जिस स्तर तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरी हो जाए, समझ लीजिए कि उतने स्तर तक हम लोग ताकतवर हैं, जहाँ से पूरा ना हो समझ लीजिए वहाँ से हम कमज़ोर हैं। जैसे मान के चलिए अगर भारत को अगर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना हो नेपाल से करना हो, तो नेपाल से ताकतवर है करवा लेगा, भूटान से करना हो करवा लेगा, बांग्लादेश से करना होगा करवा लेना, पाकिस्तान से करना होगा करवा लेगा। हाँ अब चीन से करना होगा तो करवा लेगा कि नहीं करवा लेगा, ये तो उसकी शक्ति पे आधारित है। रूस से करना हो करवाना होगा अपना कार्य, तो जबरन हो सकता है ना करवा पाए, अमेरिका से करना होगा ना करवा पाए। तो कहने का मतलब छोटे छोटे राष्ट्रों से करवाने की क्षमता तो हमारे है, अर्थात हम उतने ताकतवर हैं कि इनसे करवा लें, लेकिन उतने ताकतवर नहीं हैं कि हम एक बड़े राष्ट्र से अपना कार्य करवा लें। ठीक है, तो राष्ट्रीय शक्ति से इन्होंने बोध यही किया है कि उसमें राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूर्ति करने की जितनी क्षमता है उतना ही वो ताकतवर, जहाँ उसकी क्षमता नहीं है वहाँ वो कमज़ोर है। ठीक है बच्चों, समझ में आया नहीं समझ में आया, चलिए एक बार फिर से बताते हैं। जैसे हम कह रहे हैं पाकिस्तान अगर चाहे या चाइना चाहे, ठीक है, चाइना चाहे तिब्बत को हड़प लिया उसने, तिब्बत के ताकतवर था, ठीक है, भारत के ऊपर एक समय अटैक किया था उस समय भारत से ताकतवर था, पाकिस्तान में अगर घुसपैठ कर दे पाकिस्तान से ताकतवर है, बर्मा पे अटैक कर दे, म्यांमार पे अटैक कर दे तो ताकतवर है, चियांग काई फेक की फार्मोफा द्वीप पे कर दे तो वो भी ताकतवर है। अगर लेकिन अगर रूस से लड़ना होगा तो रूस से अगर रूस पे अपना प्रभाव तो नहीं जमा पाएगा, अमेरिका पे अपना प्रभाव नहीं जमा पाएगा, तो यहाँ पर ताकतवर है और वहाँ पर वो कमज़ोर है, अर्थात चीन की ताकत उतनी ही है कि अपने छोटे फेराफ छोटे छोटे राज्यों से अपना कार्य करवा सकता है, दबाव डालकर, धमकी देकर, मार कर, पीट कर, सैनिक
शक्ति का प्रयोग करके कैसे भी हो, ठीक है, तो उतना वो ताकतवर है, अन्यथा कमजोर है। ठीक है बच्चों, वैसे जो है सामान्य रूप से दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता ही शक्ति है, और दूसरों को नियंत्रित करने, अपनी इच्छा की पूर्ति कराने, उनकी इच्छा अनुसार कार्य को रोकने की योग्यता या सामर्थ्य को भी शक्ति कहते हैं। अर्थात दूसरों को नियंत्रित कर दीजिए, जो कहिए वो करें, कमांड कर दीजिए, अपने इच्छा की पूर्ति करा लीजिए, और वो कोई चीज़ अगर चाह रहे हैं कि हम ये कर लें, तो अपनी दबाव से, अपनी क्षमता से उसको कहिए आप मत करिए। अगर वो नहीं मानता तो समझ लीजिए कि आप कमज़ोर हैं, या तो फिर आपका डर होना चाहिए कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें नाकों चने चबवा देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब रोक दिया, तो इसका मतलब आपकी धमकी से वो डर गया, आपकी शक्ति से वो भयभीत हो गया, और अपने कार्य को उसने जो करना चाहता था वो नहीं किया, अर्थात उसका कार्य रुक गया, तो ये माना जाएगा कि आप ताकतवर हैं, आप शक्तिशाली हैं। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक प्रकार के राज्य को शक्ति, महाशक्ति, विश्व शक्ति, बड़ी शक्ति, कमज़ोर शक्ति आदि व्यक्तित्व होता है। अगला एक, इसकी एक राष्ट्रीय छाप बन जाती है कि जैसे महाशक्ति कौन है, क्षेत्रीय शक्ति कौन है, शक्ति कौन है, तो ऐसे ही हर राष्ट्रों की एक जो है एक अलग से व्यक्तित्व है, कौन कमज़ोर है, कौन ताकतवर है। ठीक है बच्चों, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना तो कोई अस्थाई मित्र होता है, ना ही कोई अस्थाई शत्रु होता है। ठीक है, शक्ति के लिए संघर्ष, कोई अस्थाई मित्र नहीं, कोई अस्थाई शत्रु नहीं। और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता या शत्रुता किस पर डिपेंड करता है? राष्ट्रीय हितों पर। अर्थात अगर हमारी भलाई सोवियत संघ या रूस से मित्रता करने में है तो हमारा मित्र है। अगर हमारी भलाई से, अरे उसकी मित्रता से अगर हमें नुकसान होता है तो हमारा मित्र नहीं है, हम उससे मित्रता कर ही नहीं सकते, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना कोई अस्थाई मित्र होता है, ना अस्थाई शत्रु होता है। बच्चों एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या होती है? स्वार्थपूर्ण राजनीति। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं निहायत स्वार्थी प्रवृत्ति के, तो जहाँ उनका लाभ दिखेगा वहाँ वो आपसे चिपके रहेंगे, जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हुआ वैसे ही वो आपको छोड़कर भाग खड़े होंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो होती है बच्चों वो बिल्कुल स्वार्थपूर्ण राजनीति होती है। ठीक है, स्वार्थपूर्ण मित्रता वहीं जहाँ लाभ, शत्रुता वहीं जहाँ लाभ। जिससे मित्रता करने से लाभ है उसे मित्रता, जिससे मित्रता करने से कोई लाभ नहीं हानि हो रहा है उसकी मित्रता तोड़ दी जाती है। ठीक है बच्चों, अर्थात स्वार्थ ही, स्वार्थ एवं उद्देश्य ही प्रमुख होता है। अर्थात अपनी इच्छा पूर्ति हो गई तो काम खत्म, नहीं तो फिर मित्र हैं तब तक मित्र हैं जब तक उनसे हमारा लाभ है। ठीक है बच्चों, इतना ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, राज्य के प्रमुख तीन लक्ष्य होते हैं, कौन कौन? शक्ति संचय, शक्ति प्रसार। ये प्रमुख लक्ष्य बच्चों कभी पूछा जा सकता है आपसे, शक्ति संचय, शक्ति प्रसार और शक्ति प्रदर्शन, शक्ति को दिखाना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, हम इसी में शक्ति संचय का मतलब क्या होता है? शक्ति को एकत्रित करना। एकत्रित करने में शक्ति कितने प्रकार से एकत्रित कर सकते हैं? जैसे आर्थिक विकास, खूब धन दौलत आ जाए, चारों तरफ से विदेशी मुद्रा आ जाए, व्यापार में बढ़ोतरी हो, ठीक है, इनकम ज़्यादा हो राष्ट्र की, ठीक है, आयात निर्यात, निर्यात ज़्यादा हो, आयात कम हो, अर्थात ज़्यादा हमको बेचना पड़े, ख़रीदना कम पड़े। ठीक है, तो ऐसे में आर्थिक विकास जो है वो भी, टेक्नोलॉजी अच्छी अच्छी टेक्निकल चीज़ें अगर हम बना के बेचते हैं तो आर्थिक विकास। वैसे बच्चों आजकल हथियारों पे खर्च ज़्यादा मिलता है, खर्च ज़्यादा होता है, क्योंकि हथियार बड़े महंगे होते हैं। जैसे हम आप जो है एक वर्ष में हम लोग जितना भोजन नहीं कर पाएंगे उतना खर्च करेंगे तो कहीं एक रिवाल्वर आएगी। ठीक है बच्चों, चलिए आर्थिक विकास हो गया, सैन्य शक्ति को बढ़ाना, सैनिकों की भर्ती, नए नए हथियार, टेक्नोलॉजी, अच्छे अच्छे हथियार, अच्छे अच्छे युद्ध यंत्र, अच्छी अच्छी मिसाइलें। ठीक है, जन समर्थन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जहाँ शक्ति संचय की बात होगी, क्योंकि यहाँ पर एक राष्ट्र को अगर इकट्ठा करना है तो उसको जन समर्थन का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय जनमत उसको अपने पक्ष में करना होगा, ताकि अच्छे अच्छे जो है संयुक्त राष्ट्र संघ वगैरह में सपोर्ट कर सकें, विश्व जनमत अपने पक्ष में
होना चाहिए और उनका अंदर अंदर अपनी जनता का भी समर्थन होना चाहिए और विश्व जनमत भी अपने पक्ष में होना चाहिए और मित्रों की संख्या बढ़ाना ये भी ठीक ही है। शक्ति प्रसार, शक्ति का प्रसार का मतलब होता है ये क्षेत्र विस्तार की नीति है बच्चों, शक्ति को बढ़ाना, दूसरे के राज्य पे अटैक कर देना, दूसरे के भूमि पर दूसरे की भूमि को हथिया लेना, दूसरे के धन को छीन लेना, ये सब वही क्षेत्र एक प्रकार से ये विस्तारवादी नीति है। ठीक है, ये साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीति है, अर्थात दूसरे के राज्य पे अधिकार कर लिया तो राज्य भी अपना हो गया, अपनी शक्ति बढ़ गई। ठीक है बच्चों, ये होता है शक्ति प्रदर्शन, शक्ति प्रसार की नीति, अपने साम्राज्य को बढ़ाना अर्थात दूसरे क्षेत्रों पे अधिकार करना, दूसरे के धन दौलत पे अधिकार करना, राजकोष पे अधिकार करना। ठीक है, ये साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीति है। तीसरा है शक्ति प्रदर्शन अर्थात शक्ति का दिखाकर प्रतिष्ठा की नीति, आत्म इस संपूर्ण जगत में, विश्व जगत में अपने प्रतिष्ठा को अपने बढ़ाने, अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए शक्ति का प्रदर्शन किया जाए तो उसे कहा जाता है शक्ति प्रदर्शन की नीति। ठीक है बच्चों, ये कूटनीति एवं सैन्य शक्ति का प्रदर्शन इसमें आता है और राज्यों का प्रमुख उद्देश्य होता है आत्मरक्षा एवं प्रभाव का विस्तार। ठीक है बच्चों, ये एक प्रकार से प्रतिष्ठा की नीति होती है शक्ति का प्रदर्शन करना विश्व में, लोग जैसे एक प्रकार से देखा जाए तो प्रतिष्ठा के लिए, नेहरू जी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए चीन ने जो है उस समय भारत पर आक्रमण किया था, क्योंकि नेहरू जी एक अंतर्राष्ट्रीय छवि वाले नेता हो गए थे और जो है गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के उस समय ये अगुआ हो गए थे, सबसे बड़े भाई हो गए थे सभी राष्ट्रों के। तो ऐसी स्थिति में चीन ने नेहरू जी की प्रतिष्ठा को, भारत की प्रतिष्ठा को गिराने के लिए उसने अटैक किया था और ताकि, और हुआ भी वही, जहाँ संपूर्ण राष्ट्र समझते थे कि भारत आगे है वहीं समझ लगे कि जो है चाइना के मुकाबले भारत कमज़ोर राष्ट्र है। ठीक है, चलिए बच्चों यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं, बाकी अगले वीडियो में फिर आगे।